इन अ लास्ट चैप्टर वी कम्प्लीटेड आवर नोट्स ऑफ चैप्टर 3 दैट इज नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें हमारा लास्ट टॉपिक का रिविजन का था. सो टुडे विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज क्वेश्चंस. सो एक्सरसाइज में भी आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस करने ही हैं हमें. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ टॉपिक हमारे कट गए हैं, तो उससे रिलेटेड हम एक दो क्वेश्चन नहीं करेंगे, बाकी हम सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 1. एम सी क्यूज हैं आपके पास चार क्वेश्चन इसमें. तो फर्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, अब इसमें आपको पेयर्स दिए हैं कुछ और उसमें बताना है कि आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सा दे रहा है. अब देखिए, जो फर्स्ट है आपका NaCl विद कॉपर है, तो NaCl जब कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा तो जो NaCl और कॉपर है रिएक्टिविटी में, जो NaCl है वो कॉपर से लो है तो वो उसको डिस्प्लेस नहीं करेगा. उसी तरह से मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, देखिए अगर आपको किसी मेटल को रिप्लेस करवाना है तो वो रिएक्टिविटी सीरीज में सॉल्यूशन से क्या होना चाहिए, अप. तो वैसे ही आपके पास AgNO3 सॉल्यूशन और कॉपर मेटल है, तो यहाँ पे जो सिल्वर है वो कॉपर मेटल से रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, लो. ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में जो आपका सिल्वर है दैट इज एट लोअर प्लेस देन कॉपर. तो जो कॉपर है यहाँ पे सिल्वर को AgNO3 में, Ag क्या है आपका सिल्वर, AgNO3 को जो कॉपर है यहाँ पे इजीली रिप्लेस कर सकता है. तो इसीलिए जो आपका ऑप्शन नंबर डी है दैट इज योर AgNO3 सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल जो है वो क्या है, करेक्ट. नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन. एक आयरन फ्राइंग पैन है आपके पास, उसको रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए कौन सा मेथड सही है. तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हैं. अप्लाइंग ग्रीस, ग्रीस वहाँ पे अप्लाई होगा रस्ट को बचाने के लिए जहाँ पे आपके जॉइंट्स हैं. ठीक है, फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ जॉइंट्स. लुब्रिकेंट एज अ ग्रीस यूज होता है, बट वो कहाँ यूज होता है, जब आपको फ्रिक्शन रिड्यूस करना हो. इन केस ऑफ फ्रिक्शन आप ग्रीस यूज करते हो. अप्लाइंग पेंट, पेंट से भी आप रस्टिंग को बचा सकते हो. अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक, अब यहाँ पे स्पेशली आपको जो है हाईलाइट किया है कि आपको कोटिंग ऑफ जिंक है जो वो अप्लाई कर सकते हो आप. तो जो आपके पास कोटिंग ऑफ जिंक है वो प्रिसाइज है यहाँ पे, और डी है यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव. तो यहाँ पे जो बेटर ऑप्शन है दैट इज योर अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3. एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट. एक एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और एक ऐसे कंपाउंड देता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई. दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सॉल्यूबल इन वाटर. ये जो कंपाउंड बना है आपके पास वो वाटर में सॉल्यूबल भी है. आपके पास एक एलिमेंट है ए जो कि वाटर के सॉरी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और एक कंपाउंड देता है एक्स जो जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है और इट इज ऑल्सो सॉल्यूबल इन वाटर. ठीक है, द एलिमेंट इज लाइकली टू बी एस. ये कौन सा एलिमेंट हो सकता है, तो ये एलिमेंट हो सकता है आपका कैल्शियम, क्योंकि जो कैल्शियम है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, और कैल्शियम ही देखिए इजिली वाटर में सॉल्यूबल होता है. कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है बट वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं है. उसी तरह सिलिकॉन है और आयरन. ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4. फूड कैंस आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक. जिंक से फूड कैंस को जो है, फूड कैंस होते हैं आपके जिनमें आपका जैसे आपकी कोल्ड ड्रिंक के कैंस होते हैं, कुछ आपके डाइट्री प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे कि आपका मिल्क मेड वगैरह, वो भी कैन में आता है. तो इसमें जैसे आपके रसगुल्ले आते हैं दिवाली में, या कोई भी स्वीट डिशेज आती हैं वो भी कैन में आती है. तो वो जो कैन होते हैं वो टिन से कोटेड होते हैं, जिंक से क्यों नहीं, बिकॉज जो जिंक है वो टिन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है और वो शुगर जो भी आइटम फूड आइटम है उसके साथ रिएक्ट कर सकता है. सो देयरफॉर इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन. ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5. इसमें आपको कुछ सब्सटेंसेस दिए हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दिए हैं. यू आर गिवन अ हैमर, अ बैटरी, अ बल्ब, वायर्स एंड अ स्विच. आपको एक बैटरी, एक हैमर, एक बैटरी और बल्ब
वायर्स एंड अ स्विच गिवन है, ये आइटम्स गिवन है आपको. हाउ कुड यू यूज देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. फर्स्ट ऑफ इसमें आपको बताना है कि आप इन चीज़ों को कैसे यूज कर सकते हो डिस्टिंग्विश करने में कि जो सब्सटेंस है वो मेटल है या नॉन मेटल. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम हैमर को देखें तो मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज योर डक्टिलिटी, मतलब कि मेटल को आप थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो. तो आप हैमर से क्या कर सकते हो, बीटिंग ऑफ मेटल. अगर वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है तो देन इट इज मेटल. इफ इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स देन इट इज मेटल एंड इफ डज नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स देन इट इज अ नॉन मेटल. और नेक्स्ट आपके पास जो फोर आइटम्स हैं इन चारों का हम कॉम्बिनेशन लेंगे दैट इज योर बैटरी. ठीक है, हम एक बैटरी ले लेते हैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन. बैटरी इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. ठीक है, ये बैटरी ले ली हमने यहाँ पे. वायर्स गिवन है हमें, ये हमने वायर लगा दी उसमें. ठीक है, एक बल्ब गिवन है और एक स्विच, तो ये हमने यहाँ पे स्विच लगा दिया. आई थिंक आई होप आप सभी ने जूनियर क्लास में पढ़ा है कि हम किस चीज़ को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. बैटरी, स्विच एंड दिस इज योर बल्ब. ठीक है, तो अगर जो आपके पास गिवन सब्सटेंस है, ठीक है, उसमें से आपको क्या बताना है, हाउ एक्सेस द यूजफुलनेस ऑफ टेस्ट इन बिटवीन सैंपल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ठीक है, अब यहाँ पे हम इस वायर में यहाँ पे सब्सटेंस हम कनेक्ट कर देंगे, कोई भी सब्सटेंस होगा एक्स एंड वाई. इफ इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, आपको पता है जो मेटल्स हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. अब आपको कैसे पता चलेगा कि कंडक्ट कर रहा है, इफ योर बल्ब ग्लोस अप. ठीक है, ऑन स्विचिंग ऑन द स्विच, ऑन स्विचिंग ऑन द स्विच. ठीक है, स्विच की लोकेशन चेंज कर देते हैं थोड़ा, क्योंकि आपका सब्सटेंस इधर है तो यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं योर स्विच. ठीक है, अगर स्विच ऑन करने पे आपका बल्ब ऑन होता है तो मतलब आपका सब्सटेंस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट, देन इट इज अ मेटल. ठीक है, अगर जो आपका सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा है और आपका बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, इट इज अ नॉन मेटल. ठीक है, तब ये क्या है, एक नॉन मेटल, बिकॉज जो आपके नॉन मेटल्स हैं दैट आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट है आपके पास, एक्सेस द यूजफुलनेस ऑफ दीज टेस्ट इन डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. जो ये टेस्ट हैं आपके दोनों, ये मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज बता रहे हैं. ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं पता चल रही हैं इनसे. दे आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, व्हाट आर एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स. आप सभी को ये नोट्स में कराया है, ऑक्साइड्स दैट बिहेव्स एज एसिडिक एंड एज वेल एज बेसिक ऑक्साइड्स, मतलब जो एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड दोनों की तरह बिहेव करते हैं, दोज आर कॉल्ड एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स. सो यू कैन राइट इट ऑल बाय योरसेल्फ. ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, नेम टू मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स एंड टू नॉन मेटल्स विच विल नॉट. सो डाइल्यूट HCl से जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल दो डिस्प्लेस कर सकते हैं यहाँ पे, दैट इज
हाईली रिएक्टिव होते हैं जो सोडियम एंड पोटाशियम, ठीक है। ये क्या आ गया, आ गया आपके पास मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन। अब जो दो नॉन मेटल्स हैं जो डिस्प्लेस नहीं करेंगे, दैट विल बी योर कॉपर एंड सिल्वर, ठीक है। टू मेटल्स ही बताने हैं आपको, दोनों मेटल ही होने चाहिए। सो ये जो जो दोनों हैं सिल्वर और कॉपर, आपके रिएक्टिविटी सीरीज में लो है, देयर फोर दे विल नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन, ठीक है। डिस्प्लेसेस, ये दोनों चारों जो एलिमेंट्स हैं आपके पास, ये सारे क्या हैं, मेटल्स। अब क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, दैट इज इसमें जो कैथोड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है, ये आपके पास मेटल एक्सट्रैक्शन में था, तो ये वाला टॉपिक भी मूव हो चुका है, इसलिए हम ये क्वेश्चन नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, प्रत्यूष टुक सल्फर, आपके पास डायग्राम दिया गया है, उसमें एक स्पून है जिसमें आपके स्पैचुला में सल्फर पाउडर रखा गया है और नीचे से उसमें बर्नर से फ्रेम दी गई है। तो जब वो स्पैचुला में जो सल्फर है वो जलता है, तो ऊपर उसके ऊपर एक ट्यूब को रिवर्स में रख के, मतलब ट्यूब का मुंह चम्मच के ऊपर रख के, वो जो सल्फर ऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है उसे उस ट्यूब के अंदर रख लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछा गया आपके क्वेश्चन में, व्हाट विल द एक्शन ऑफ गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर। सबसे पहले जो सल्फर ऑक्साइड्स होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में ही सल्फर पेपर पे चेंज दिखाते हैं, सॉरी फिल्टर लिटमस पेपर पे चेंज दिखाते हैं, मतलब कि ड्राई और गैसियस फॉर्म में वो लिटमस पेपर पे कोई चेंज नहीं दिखाएंगे, एक्वस सॉल्यूशन में ही दिखाते हैं। सो देयर विल बी नो एक्शन, क्योंकि जो आपका लिटमस पेपर है वो क्या है, ड्राई। अब नेक्स्ट है आपके पास मॉइस्ट लिटमस पेपर, मॉइस्ट लिटमस पेपर में वो क्या दिखाएंगे, जो आपका लिटमस पेपर है सल्फर ऑक्साइड आपके पास कैसी है, यहाँ पे एसिडिक। सो सल्फर ऑक्साइड आपके पास एसिडिक है, तो वो क्या करेंगे, अगर आपके पास रेड लिटमस पेपर है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, और अगर ब्लू है तो रेड, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन फॉर ईच ऑफ द रिएक्शन। पहले जो सल्फर है जब वो बर्न हो रही है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगी, फिर जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो वाटर के साथ मिक्सअप होके H2SO3 बनाएगी, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड। सो दिस इज योर टू बैलेंस्ड रिएक्शन विच आर टेकिंग प्लेस इन दिस एक्सपेरिमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज स्टेट टू वेज टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। सो फर्स्ट इज योर जिंक कोटिंग एंड सेकेंड वन इज योर गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में अगर जिंक कोटिंग रिमूव भी हो जाए तब भी जो आपका मेटल है वो रस्ट नहीं करता। व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन। जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो ऑक्साइड कौन से फॉर्म होते हैं, एसिडिक। ये कैसे पता चलेगा, देखिए सल्फर इज अ नॉन मेटल एंड इट इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन एंड फॉर्मिंग अ सल्फर ऑक्साइड विच इज एसिडिक इन नेचर, इसीलिए वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज गिव रीजंस है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 में। सो प्लैटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी। प्लैटिनम गोल्ड और सिल्वर होते हैं जो वो ज्वेलरी में को बनाने के लिए यूज होते हैं, क्यों, क्योंकि जो मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट इज लस्टरस, क्योंकि ये चमकते हैं इसीलिए ये ज्वेलरी बनाने के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास सोडियम पोटाशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव हैं, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो बहुत ही विग्रसली बर्न करना स्टार्ट कर देते हैं, इतना विग्रस बर्न करते हैं कि खुद ही खत्म हो जाते हैं, ठीक है। थर्ड वन इज योर एल्युमिनियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल, येट इट इज यूज टू मेक यूटेंसिल फॉर कुकिंग। जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, व्हेन एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड विच इज हाईली स्टेबल। ये इतना स्टेबल होता है कि ये
रस्टिंग भी इसमें शो नहीं होती, नो रस्टिंग, ठीक है, कोई भी रस्टिंग और कोई भी कोरोजन इसमें शो नहीं होता, इसीलिए एल्युमिनियम का यूज यूटेंसिल को बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये रस्टिंग शो नहीं करता आफ्टर रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, ठीक है। एक्सप्लेन, अब इसका डी पार्ट है, कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रक्शन आपका डिलीट हो गया है, तो हम इसका फोर्थ पार्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 इज, यू मस्ट हैव टार्निश्ड कॉपर वेसल बीइंग क्लीन्ड विद लेमन और टर्मरिंड जूस। जो कॉपर के बर्तन होते हैं उन्हें लेमन, नींबू और टर्मरिंड जूस के मिक्सचर से या फिर अलग अलग इन दोनों चीज़ों से क्लीन किया जाता है। एक्सप्लेन व्हाई दीज सॉर्ट सब्सटेंसेस आर इफेक्टिव इन क्लीनिंग, ठीक है। जब नॉर्मली क्या होता है, जो आपका कॉपर है वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो कॉपर, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो कॉपर कार्बोनेट बना देता है, ठीक है। इट फॉर्म्स अ कॉपर कार्बोनेट, जो कॉपर कार्बोनेट की लेयर है वो कॉपर यूटेंसिल्स के ऊपर चढ़ जाती है। लेयर गेट्स डिपॉजिटेड ओवर यूटेंसिल्स, ठीक है। इन यूटेंसिल्स के ऊपर जब एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है तो जो लेमन होता है, एसिडिक होता है वहाँ पे, वो एसिड जो लेमन है, सिट्रिक एसिड है, वो इस लेयर को रिमूव कर देता है बिकॉज ऑफ इट्स एसिडिक नेचर, और इसीलिए हम क्लीनिंग के लिए लेमन का यूज़ करते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सभी आप लोग खुद करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज, अ मैन वेंट डोर टू डोर पॉलिशिंग एज अ गोल्डस्मिथ। एक जो मैन है, एक आदमी है, वो एक घर से दूसरे घर जाता है, ठीक है, सुनार बन के, गोल्डस्मिथ मतलब सुनार जो सोना बेचते हैं। ही प्रॉमिस टू ब्रिंग बैक द ग्लिटर ऑफ गोल्ड एंड डल गोल्ड ऑर्नामेंट्स। वो प्रॉमिस करता है कि जो भी चमक खत्म होगी है सोने की, वो उसे फिर से ठीक कर देगा और चमकदार बना देगा। एन अनसस्पेक्टिंग लेडी गेव अ सेट ऑफ गोल्ड बैंगल्स टू हिम विच ही डिप्ड इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। एक अनजान औरत ने उसे अपने सारे गोल्ड के जेवर दे दिए और वो क्या करता है, एक सॉल्यूशन में उन गोल्ड के ऑर्नामेंट्स को डुबा देता है। द बैंगल्स स्पार्कल लाइक न्यू बट देयर वेट वॉज रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली। जो बैंगल है वो चमकने तो लग जाती हैं, जो सोने की उसने दी होती हैं साफ करने के लिए, वो चमकने लग जाती है, पर उनका वेट क्या है, वो क्या हो जाता है, कम। द लेडी वॉज अपसेट बट आफ्टर अ फ्यूटाइल आर्ग्यूमेंट द मैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट, ठीक है। लेडी जो है वो अपसेट हो जाती है, बट कुछ देर के बाद सब नॉर्मल हो जाता है। कैन यू पे द डिटेक्टिव टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ सॉल्यूशन ही हैड यूज्ड। अब हमें बताना है कि वो जो नेचर ऑफ सॉल्यूशन था वो कैसा था। फर्स्ट ऑफ ऑल वो सॉल्यूशन आपके पास क्या था, एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें 3:1 के रेशो में कंसंट्रेटेड HCl एंड HNO3 होते हैं, मतलब HCl 3 पार्ट्स होते हैं तो HNO3 का 1 पार्ट होता है। इन दोनों सॉल्यूशन को 3 पार्ट्स ऑफ HCl एंड 1 पार्ट ऑफ HNO3 को मिला के आपको क्या बनता है, एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें डालते ही सोना क्या है, पिघलने लग जाता है। पिघलना इन द सेंस उसकी जो लेयर है वो रिमूव होने लग जाती है। तो अगर उसे ज़्यादा देर तक आप एक्वा रेजिया में डाल के रखेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सोना बिल्कुल उस सॉल्यूशन में घुल जाएगा, इट कैट डिजॉल्व। तो कुछ टाइम के लिए अगर आप उसे सोने को उस सॉल्यूशन में डालते हो तो उसकी जो टॉप मोस्ट लेयर है वो मिट जाती है और आपको ऐसा लगता है कि वो जो सोना है वो धुल गया, जबकि वो धुला नहीं होता, उसकी जो फर्स्ट लेयर होती है वो क्या हो जाती है, उड़ जाती है, इसलिए वेट क्या होता है उसका, कम हो जाता है। नेक्स्ट है आपके पास, गिव रीजंस व्हाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील। कॉपर को इसलिए यूज़ किया जाता है हॉट वाटर टैंक यूज़ करने के लिए, जो स्टील और आयरन है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, वेयर एज कॉपर डज नॉट रिएक्ट, ठीक है। दैट इज़ व्हाई दे आर यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक्स, ठीक है। सो दिस वाज योर एक्सरसाइज क्वेश्चंस फॉर चैप्टर नंबर
थ्री दैट इज़ ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. अलॉन्ग विद दिस योर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड. नाउ नेक्स्ट वी विल स्टार्ट योर चैप्टर नंबर आई थिंक 12 या फिर 11. 12 आई थिंक 12 ऑफ फिजिक्स, दैट इज़ योर, लेट मी सी, दैट इज़ योर इलेक्ट्रिसिटी. सो थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे.